अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हाई डॉट पी के एंड सब्सक्राइब टू कीप इन कॉन्टैक्ट फॉर मोर वीडियोज एंड लेक्चर्स। आज हम सबसे पहले बात करेंगे एम डी के 2020 का ऑफिशियल शेड्यूल जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने और पी एम डी सी ने मिलकर इशू कर दिया। और दूसरा बात करेंगे जैसे ही शेड्यूल आया, एम डी के का क्राइटेरिया आया, डेट आई, तो चंद तलबा इसकी ताब न ला सके और वो इसको रोकने के लिए, टेस्ट डेट को चेंज करने के लिए, क्राइटेरिया को चेंज करने के लिए ना सिर्फ पीएमडीसी के बड़े बड़े पॉलिटिशियन तक पहुंच गए और एमडी कैट के डेट को चेंज करने के लिए हाई कोर्ट तक जाने का इरादा रखते हैं। खैर, उनके क्या इरादे हैं और उनके क्या नतज हो सकते हैं और वो क्या कर पाएंगे, इनके ऊपर तो बात करती हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने जो उनकी डेट और पैटर्न इशू किया है वो क्या है। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जो उनसे टेस्ट डेट इशू की थी वो थी संडे 20 सितंबर 8:30 AM, ये था टाइम। इसका सिलेबस, ये तमाम चीज़ें आपसे डिस्कस कर चुके हैं। जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो 24 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की। इन्होंने जो टेस्ट डेट दिया वो है 18 अक्टूबर, यानी मेडिकल और डेंटल कॉलेज का टेस्ट जो कि पंजाब में होगा वो 18 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा इन्होंने एम डी कैट का क्राइटेरिया भी चेंज कर दिया। केपीके वालों की तरह पंजाब में जो मेडिकल एमडी का जो क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने दिया वो है 10% मैट्रिक, 40% एफएससी और 50% एमडी कैट। इसके मुताबिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन किए जाएंगे। और सबसे अहम बात, लास्ट ईयर की तरह इस साल भी यूनिट टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी मेरिट इस मरतबा भी इंक्रीज होने के चांसेज हैं। और कोरोना से बचने के लिए जो इम्तिहानी सेंटर हैं उनकी तादाद को डबल करके 70 कर दिया गया। और इस साल पूरे पंजाब में 16 सिटीज में इम्तिहानी सेंटर बनेंगे यूएचएस के। अब हम बात करते हैं उनकी जो कि एमडी कैट क्राइटेरिया को नहीं मानते और वो चाहते हैं कि एमडी कैट क्राइटेरिया चेंज हो जाए। इसके अलावा वो ये भी चाहते हैं कि एमडी कैट की जो टेस्ट डेट है, ख़ास तौर पर वो जो कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का ईटी टेस्ट देने वाले हैं, वो चाहते हैं कि डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, क्राइटेरिया को चेंज कर दीजिए, जिसके लिए वो पीएमडीसी के मेंबर्स से मीटिंग कर रहे हैं और यहाँ तक कि पीएमडीसी पहुँच गए हैं और वहाँ जाके मीटिंग कर रहे हैं एवरीथिंग। इसके अलावा वो डिफरेंट पॉलिटिशियन से भी मीटिंग कर रहे हैं ताकि ईटी टेस्ट को डिले किया जा सके। एमडी के डेट को, क्राइटेरिया को चेंज करने के लिए इनके पास चंद सॉलिड एविडेंस होने चाहिए। जैसा कि एमडी के डेट है तो एमडी के डेट को अनाउंस करना किसी यूनिवर्सिटी का हक है, वो जल्दी अनाउंस करे, लेट अनाउंस करे, उसके खिलाफ इनके पास सॉलिड एविडेंस होने चाहिए कि इस वजह से डेट एक्सटेंड की जाए। अब अगर ये कहते हैं कि वैसे एक्सटेंड कर दी जाए, कोई एविडेंस भी नहीं है, तो उनके पास ये रीज़न होते हैं अदालत के पास भी और अपोजिशन के पास भी कि एमडी केयर की जो उनसे डेट है वो सबके लिए इक्वल है। ऐसा नहीं कि चंद तलबा आ जाके दे रहे चंद बाद में। सो इस तरह के चंद क्वेश्चन हैं जो कि इनको आंसर करने पड़ेंगे। सो देखते हैं क्या होता है। ये चंद तलबा की कोशिश थी जो कि आपके सामने मैंने रख दी, जो क्राइटेरिया डेटा आपको बता दी। होप यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।